हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स जो अपना प्रीवियस लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। बेसिक से न्यूमेरिकल्स थे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब किरचॉफ्स लॉ का हम यूज़ करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, आज का जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। उसके बाद हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा और मीटर ब्रिज आएगा। उसके बाद हमारा ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई सर्किट होगी, उस सर्किट के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होगा किसका, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप। जो हमारे पास कोई क्लोज लूप है उसमें जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होगा उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। जो एल्जेब्रिक सम लेके चलेंगे मींस जो अपने पास कोई भी एक क्लोज सर्किट है उस सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। जैसे हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें हमने यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो सेल यूज कर रखे हैं, एक हमारे पास E1 है और एक हमारे पास E2 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R2 है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस R3 है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करना है या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ का यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास गिवन है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे अपने पास एक सर्किट, इस सर्किट के अंदर हमारे पास फर्स्ट लूप है ए बी ई एफ ए, एक तो अपने पास ये लूप हो गया, दूसरा अपने पास बी सी डी ई, सेकेंड लूप अपने पास ये हो गया। तो जब इस लूप को हम सोल्व करेंगे तो अपना जो पोटेंशियल होगा, ये जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो हमारा लूप इसमें ये रहेगा। इसमें हमारे पास E2 सेल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसमें हमारा लूप इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब जब यहाँ से करंट हमारा चलेगा तो करंट हम मान लेते हैं I1, तो इस सर्किट के अंदर इस लूप के अंदर करंट I1 आएगा और यहाँ से करंट कौन सा आएगा, I2 आएगा। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 प्लस क्या हो जाएगा, अपने पास I2 हो जाएगा। यहाँ का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक अपने पास करंट I1 प्लस क्या चलेगा, I2 चलेगा, बट यहाँ इस पॉइंट पे आके करंट दोनों पार्ट में फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड। I1 इस डायरेक्शन में चला जाएगा और I2 अपने पास इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब हमारे पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास वोल्टेज अपने पास E1 है, यहाँ पे E2 है, दूसरा अपने पास रेजिस्टेंस R1 है, करंट अपने पास I1 है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स ला हमारे पास क्या था, V=IR। तो ओम्स लॉ का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि भाई जो अपना एल्जेब्रिक सम वोल्टेज का इक्वल टू जीरो होगा तो हम यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम भी इक्वल टू किसके ले सकते हैं, जीरो में। तो यहाँ से जब करंट I1 फ्लो करेगा तो यहाँ पे अपने पास होगा रेजिस्टेंस R3 और मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस R3 के साथ चलेगा करंट I1 प्लस I2, ठीक है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो करंट अपना I1 होगा, रेजिस्टेंस अपना R1 होगा, तो प्लस हो जाएगा I1 और रेजिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा R1, और इसको हम इक्वल टू किसके लेके चलेंगे, जीरो के। ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज होगा, यहाँ पे आएगा R3 रेजिस्टेंस के पास, ऐसे फ्लो करता हुआ चलेगा R1 के पास चलेगा। तो ये इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या चलेगा, एल्जेब्रिक सम चलेगा और इक्वल टू इसके लेके चलेंगे, जीरो के। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। ये फर्स्ट लूप हमारे पास क्या हुआ है, ये फर्स्ट लूप है हमारे पास ए बी E, F, A, तो हमारे पास फर्स्ट लूप ये हो चुका है। सेकंड लूप हमारे पास है, यहां से अगर हम चलते हैं C, B, E, D, C, तो सेकंड लूप अपने पास हो जाएगा C, D, E, D। तो यहां पे जब हम करंट यहां से फ्लो करेगा I2, तो यहां पे रेजिस्टेंस R3 के साथ मल्टीप्लाई में चलेगा अपने पास करंट I1 प्लस I2, और प्लस यहाँ पे अपने पास एक करंट फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा, I1 इस सर्किट में आ जाएगा, I2 इस सर्किट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R2 है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, I2। तो रेजिस्टेंस आ रहा है R2 मल्टीप्लाई में I2, इन सभी का एल्जेब्रिक सम अगेन इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेकंड लूप।
तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर हमारा पोटेंशियल नेगेटिव से अगर पॉजिटिव चलता है तो इसमें वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिखना है, अगर पोटेंशियल अपना पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है तो ये किसमें होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये अपने पास क्या था, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप लॉ। अगर हम चाहें, अगर जितने भी रेजिस्टेंस है R1, R2 या फिर अपने पास करंट I1, I2 और या अपने पास वोल्टेज, कोई भी एक चीज अगर हमें फाइंड आउट करनी है, दो हमारे पास गिवन है, तो हम इस सर्किट का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हमें किरचॉफ सेकंड लॉ की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना किरचॉफ सेकंड लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जहाँ पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करेंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास एक और आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।